नीतीश पे नाराज नहीं रहेंगे, हम लोग भाई जो उसका झंडा ठो ठो के भाई जो दो बार गद्दी दिलाए, इसका बेवकूफ बना के लोग चले गए, हम लोग का क्या बोलता है रामनवमी में हिंदू मुस्लिम राइट करा के हम लोग को जेल करवाए। उस बिहार के बारे में बोल रहे हैं जहां पुल चोरी हो जाता है, जहां ट्रेन की बोगियां चोरी हो जाती हैं, बेच दी जाती हैं, जहां ऐसा अजूबा काम जो और दुनिया में कहीं नहीं होता है वो बिहार में हो जाता है। आई हैव मेनी प्रॉब्लम्स विद भारतीय जनता पार्टी, स्पेशली विद द व्हाट इज दैट कॉल्ड ऑरेंज, द ऑरेंज ग्रुप सर, मुझे बहुत सारी तकलीफ, सेफ्रनाइजेशन ऑफ द नेशन, मुझे बहुत दिक्कत है उससे, ठीक है हैं सर, मेरे प्रश्न, मैं आई एम समवन हु बिलीव्स इन कार्ल मार्क्स। ये मतलब इनके पिताजी आईएएस ऑफिसर हैं, और ये बताइए भैया पढ़े लिखे इतने बड़े हो गए कि इनको भगवा से दिक्कत हो गया। नीतीश जी दिल्ली आए हुए हैं, प्रधानमंत्री बनने के प्रबल दावेदार बने हुए हैं, आप आइए चाचा, क्या लग रहा है? चाचा भतीजा के चलते बिहार से बचने का बच्चों को पाठ पढ़ाया जाता है और ट्रेन में चलता हर बिहारी चोर बताया जाता है, ये चाचा भतीजा की वजह से। चचा रहे 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, दल बदल करते रहते हैं, तेजस्वी यादव को सपना है मुख्यमंत्री बनने का और ये लोग अपने में फिरकी ले रहे हैं और खड़गे जी को कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे, तो बताइए प्रधानमंत्री बनेगा कौन? कुछ लोग राहुल गांधी को चाह रहे हैं, उनको पसंद कर रहे हैं, तो बनेगा कौन? इनको अपने में ही दिक्कत है, सबसे पहले ये लोग खुद एकजुट नहीं है, तो ये मोदी को क्या खा खराएंगे? बस अब नीतीश कुमार अपना सीट बचा पाएंगे? सीट ढूंढ रहे हैं कि कहां से हम लड़े कि जमानत जब्त नहीं हो। अगर लज्जा है नीतीश कुमार का, लज्जा प्रधानमंत्री बनने का, मोदी जी के जगह पे आके लड़िए तब यूपी से, बनारस से। अरे बनारस पहुंच रहे हैं, मोदी को चैलेंज कर, 10-10 को वोट नहीं होगा तब उनको, नीतीश कुमार 10 को नहीं होगा। अरे जमानत जब्त हो जाएगा गुरु, जो आएंगे मोदी के सामने जमानत जब्त हो जाएगा बनारसी में। ललंदा से जो लड़ेंगे नीतीश कुमार तो 1.5 लाख वोट से आएंगे, सीता सिंह है 1.5 लाख वोट से हराएंगे उसको। क्या नाम है? हमारा नाम धीरू कुमार झा है। काहे झा साहब इतना नाराज क्यों है नीतीश जी? नीतीश पे नाराज नहीं रहेंगे, हम लोग भाई जो उसका झंडा ठो ठो के भाई जो दो बार गद्दी दिलाए, इसका बेवकूफ बना के लोग चले गए, हम लोग का अरे क्या बोलता है रामनवमी में हिंदू मुस्लिम राइट करा के हम लोग को जेल करवाए। उस बिहार के बारे में बोल रहे हैं जहां पुल चोरी हो जाता है, जहां ट्रेन की बोगियां चोरी हो जाती हैं, बेच दी जाती हैं, जहां ऐसा अजूबा काम जो और दुनिया में कहीं नहीं होता है वो बिहार में हो जाता है। शासन काल किसका है? नीतीश कुमार सुशासन की सरकार है और ये सब घटनाएं वहां होती हैं। ये बोलेंगे, नाराजगी है इनके अंदर, जाहिर सी बात एकदम बोलेंगे। और जहां से नीतीश जी जाएंगे इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए, वहां से उनकी जमानत जब्त होगी, ये गारंटी है इस बात की। बस आऊंगा मैं दोस्त, जितना माफिया है सबके लिए कटघरा खुल गई है अब। और नहीं तो नेपाल भागेगा, और नेपाल नहीं भागेगा तो उनको गया में पिंडदान होने जा रहा है। अब कौन करवाएगा? सम्राट चौधरी जी बीजेपी का सारा कार्यकर्ता मिलकर करवाएंगे। अब कह रहे बीजेपी के पास वो क्षमता नहीं है। सुनिए, बिहार में पटना जंक्शन पे आरजेडी वाला गमछा टांग लेता है और 10 गो का 500 लड़का से पूछेगा तो उसको 10 गो कोई नहीं होता था। हाँ, कई दिन मर खा खा के गया है। अब जाओ पटना जंक्शन पे, कोई आ जाओ मीडिया वाला, कोई नहीं आएगा उसका पार्टी का। पिछड़े की राजनीति करते थे लालू प्रसाद यादव जी, पिछड़े की राजनीति के लिए फूल ये स्वेटर के ऊपर से एक गंजी पहन लेते थे ऊपर के नीचे का, और कहते थे कि ये ऊंचा जात वाला नीचे और नीचा जात वाला ऊपर, लेकिन उन्हीं के उत्थान के लिए उन्होंने कुछ नहीं करा है। आज उन्हीं के बिरादरी के लोग लालू यादव को नकार रहे हैं, तेजस्वी यादव को नकार रहे हैं और एक नई लहर दिखाई दे रही है बिहार में। किसकी लहर? मनीष कश्यप जैसा एक ऐसा युवा आ रहा है जो बिहार में छाएगा और अपने दम पर मुख्य। आपने इसका नाम लिया अभी, मिस्टर मनीष कश्यप, एक बहुत पुरानी घटना है सर। पटना के मार्केट में जब एब्रोगेशन ऑफ सॉरी जब वो घटना हुई थी हमारे जवान शहीदों के साथ, पुलवामा अटैक जब हुआ था, एक बंदा रहता है सर, वो पटना में एक बहुत फेमस मार्केट है, बिलोंग टू पटना सर, मैं बोरिंग रोड से रहता हूँ, ठीक है। वहाँ के कश्मीरियों को जाके, कश्मीर दुकानदारों को जाके एक बंदा मारता है, पीटता है, ये कह के कि ये जिम्मेदार है पुलवामा अटैक्स के लिए। उस बंदे का नाम है मनीष कश्यप। ये वो बंदा है, जिसके खिलाफ आप कह रहे हैं, बहुत बड़ा युवा है आपके लिए, ये वो बंदा है जो गुंडागिरी करता है पटना के सड़कों पे और फिर वहाँ से उठ के चाइना चलाता है अपना और फिर बीजेपी की ही लफाजत करके अपने आप को सामाजिक समरसता का प्रतीक बताता है, ये है आपका मनीष कश्यप। स्टॉक न्यूज पे उसके मनीष कश्यप के न्यूज चैनल पे, सुनिए मनीष कश्यप, सुनिए सुनिए सुनो यार मनीष कश्यप के, सुनो यार मनीष, सुनो यार सुनो मनीष कश्यप के न्यूज चैनल पे आप जाके देख लीजिए, अगर बीजेपी के सपोर्ट में एक भी चैनल अगर वीडियो होगा तो आप हमको बताइएगा। और ये जो बात बोल रहे हैं एनएसए लगा, उसके बाद जितने भी केसे हैं उनके ऊपर, सभी के ऊपर सुनवाई हुई और माननीय कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया। या तो कोर्ट पे विश्वास नहीं है या तो मनीष कश्यप के ऊपर आप ये सीधे आरोप लगा रहे हैं सर। थैंक यू।
सर पहली बात तो जो कोर्ट जजमेंट आया, द कोर्ट जजमेंट दैट हैज बीन गिवन, ठीक है, बाय द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ इंडिया, सर मुझे पूरा विश्वास है इस देश के न्यायपालिका पे। पहली बात, जमानत मिलने में और रिहाई होने में पूर्ण रूप से बहुत अंतर होता है। यू शुड रीड द आर्टिकल ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया जो इसी ऊपर आया था, ठीक है। दूसरी बात सर, मैं पॉलिटिकली इंपेशेंट हूं, ठीक है। दूसरा, जहां तक बात है बिहार की समरसता की, बिहार के सामाजिक समरसता की, हम बात करते हैं बिहार के सामाजिक समरसता की, सर, ठीक है। देयर हैव बीन मेनी पर्सपेक्टिव्स ओवर है कि बहुत सारे बहुत बहुत सर बहुत सारे राजनीतिक विचारधाराएं यहाँ पे रखी गई। आई एम माई सर, मैं 20 साल का हूँ, ठीक है सर। जहां तक बात है सर बिहार की राजनीति की, ठीक है, या तो आपको जातिवाद दिखेगा, फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए आरजेडी की, यहाँ पे आरजेडी की बात हो रही थी, ठीक है। एक बहुत प्रोमिनेंट नेता है आरजेडी का, उनका नाम है मनोज झा, प्रोफेसर मनोज झा, राज्यसभा में एमपी हैं। उनको जब बिहार में सरकार बनी, उनके बिहार में जब सरकार बनी उनकी, एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो भी नहीं दिया गया प्रोफेसर। राज्यसभा सांसद है, कैसे दे देंगे, राज्यसभा केंद्र में जाता है। वही आ रहा हूँ, जब आप रिप्रेजेंटेटिव हैं एक गवर्नमेंट के, सर यू शुड बी गिवन सच अ पोस्ट इन द मीटिंग्स। इवन आप वीडियोस उठा के देंगे, क्लिप्स उठा के देंगे, मनोज झा को उसे ट्रीट नहीं किया जा रहा है, दूसरे नेताओं को ट्रीट किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 1, जातिवाद है कि नहीं है इसमें, ठीक है। जातिवाद कौन कौन सर, जब सुने जातिवाद कर कौन रहा है, आरजेडी के लिए होल सोल रिस्पॉन्सिबल कौन सर, आरजेडी के लिए जो पूरी उसकी जो सिस्टम बनी हुई है, इवन सर हम ही है सर, वी पब्लिक आर रिस्पॉन्सिबल सर, हम पब्लिक आरजेडी के लिए पब्लिक थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होगी यार, आरजेडी लालू यादव की पार्टी है। जिस मनोज झा की ये बात कर रहे थे, इस देश का एक शीर्ष प्रधान नेता, एक शीर्ष पार्टी का, कांग्रेस का, राहुल गांधी, जब जगदीप धनखड़ की जब मिमिक्री ऐसे ऐसे करके उतारी जा रही थी, वो मनोज झा राहुल गांधी के पीछे खड़े होकर मजा लेके ऐसे हंस रहा था, उस मनोज झा की ये बात कर रहे हैं। वैसे पढ़े लिखे नेताओं की आवश्यकता क्या है, जो इस देश के सबसे बड़े मतलब उपराष्ट्रपति हैं, संवैधानिक पद में हैं, उनकी फिरकी ले रहा है सब, जानबूझ के मिमिक्री कर रहा है सब, उसके उपहास उड़ाते हैं, उनकी निंदा करते हैं। वैसे नेताओं का पढ़ा लिखा तो बेकार है, वो कैम्ब्रिज से पढ़े या दुनिया किसी बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़े, और वो बेकार। श्री लालू यादव की बात, टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, जब ये 80 के दौर की बात कर रहे थे, मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ता हूं। अरे 4 बजे दिन में गांव में किल्ली लगा दी जाती है डोर की, जब लालू यादव की सरकार थी, उस समय डकैत घुस जाते थे, चोरी हो जाती थी, जो एक होता है जहां अनाज स्टोर किया जाता है उसको लूट के लेके चले जाते थे, 4 बजे दिन की बात कर रहा हूं, जब पूरा गांव सुनसान पड़ा रहता था उसी लालू के दौर में, और कौन करता था, लालू यादव है तो यादव करेंगे। जातिवाद वहां से शुरू हुआ, अगर ये पढ़ रहे हैं तो शायद अच्छे से नहीं पढ़े हैं, या तो ये ग्राउंड से नहीं जुड़े हैं, इनको पता नहीं है इस बात के। सर पहली बार बिहार में उन्होंने सही कहा, जातिवाद का जो इंट्रोडक्शन था राजनीति में, इन्फ्लेशन तो था, वो पहली बार कर्पूरी ठाकुर की सरकार में है, ठीक है। मैं सर लालू यादव के बिल्कुल खिलाफ हूँ, आरजेडी के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं अंदर से बीजेपी सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक, नॉट एज अ होल, मैं इनकम्प्लीट मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा। मेरा ये मानना है सर, जो यहाँ भगवा की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इनमें से कितनों गीता में कितने श्लोक है ये पता होंगे, ठीक, कितने श्लोक है गीता में। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के कंटेंडर हैं, सुनिए तो अपने मन में तो है ना, अपनी पार्टी के हिसाब से तो वो बनना चाहते हैं ना। अब सुनने में आया है कि वो फिर से भाजपा का दामन थाम सकते हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि उन्हें भाजपा का दामन थामना चाहिए या भाजपा को उनको लेना चाहिए? सर टू बी ऑनेस्ट, पिछले इलेक्शंस में जब हमने देखा, जब बिहार में विधानसभा इलेक्शंस हुए, तो आरजेडी वॉज ऑन अ हाई, ठीक है, मतलब लगभग जीत चुकी थी आरजेडी, ठीक है। परंतु भाजपा की गलती एक ही थी, आखिरी विधानसभा इलेक्शन में भाजपा की गलती यही थी कि उन्होंने साथ लिया भारतीय जनता पार्टी, सॉरी नीतीश कुमार का साथ लिया, जेडीयू से अलायंस किया, और वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। सर कि अगर बीजेपी अलग लड़ती तो जीत सकती थी सर, देर हाई चांसेस कि बीजेपी जीत जाती, परंतु क्योंकि नीतीश कुमार के एक पकड़ है सर, आप जाके देखिए ना सर, उनकी जो जाति है, मैं जाति पे नहीं आना चाह रहा था, लेकिन उनकी जाति कुर्मी है सर, ठीक है। आप हर डिस्ट्रिक्ट में उठा के देख लीजिए, जो एसपी और डीएम मिलेंगे सर आपको, वो कुर्मी जाति के ही मिलेंगे सर आपको। सर मैं जातिवाद पे नहीं आ रहा था सर, मैं एंटी कास्टिस्ट हूँ सर, ठीक है, एंटी कास्टिज्म सर, जातिवाद
को इतना अंतर तक घुसाया रखा है सर, नीतीश कुमार ने सर। सुशासन बाबू कहते हैं, सेकुलर नेता खुद को कहते हैं, कहते हैं जात पात में तो मन में नहीं करते हैं। सर मैं वही तो कह रहा हूँ ना आपको, व्हेन यू टॉक अबाउट सेक्रेटेरिएट ऑफ द, माय फादर इज एन आईएएस ऑफिसर, ठीक है, आप जब बात करते हैं बिहार के सेक्रेटेरिएट की सर, ठीक है, वहाँ पे भी सर, वहाँ पे भी जो हाई पोजिशन पे आपको लोग मिलेंगे, दे आर एक्चुअली द कुर्मी, बिलोंगिंग टू द कुर्मी कास्ट सर, दे बिलोंग टू द कुर्मी कास्ट सर। जो SPDM आपको मिलेंगे बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट के, पटना डिस्ट्रिक्ट के हो गए, अभी तो नहीं है पटना डिस्ट्रिक्ट के जो DM है, वो दूसरी जाति के हैं, वो ही बिलोंग्स टू सम अदर स्टेट, परंतु जितने बड़े बड़े आपको ऑफिसर्स मिलेंगे सेक्रेटेरिएट के अंदर, डोमिनेंस देखिएगा कुर्मी जाति की मिलेगी सर आपको, एजुकेशन में, पुलिस सर्विस में, हर जगह आपको कुर्मी जाति का डोमिनेशन मिलेगा सर। जब तक इस देश में ना राजनीति होगी तब तक यहाँ पर जातिवाद होगा। जातिवाद जो असलियत में है ना, असलियत में जातिवाद कब का खत्म हो गया है, ठीक है, लेकिन जातिवाद को जिंदा कैसे किया जाता है, राजनीति के तौर पे जिंदा किया जाता है। सीरियल बनाए जाते हैं जातिवाद पे, पिक्चरें बनी जाती हैं और उसमें बताया जाता है। हर 10 साल बाद ना जातिवाद ख़त्म हो जाता है क्योंकि नई जनरेशन आ जाती है। अब नई जनरेशन को कैसे पता चलेगा, अभी हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में जितने भी लोग हैं एक साथ खा रहे हैं पी रहे हैं अगल बगल है, हमें नहीं पता जातिवाद क्या होता है, लेकिन एक सीरियल आया उसमें दिखाया जाएगा कि छोटी जात वालों के साथ इतना बुरा हुआ। और जहाँ पर TV वगैरह भी रोल प्ले करते हैं, TV में और क्या, हमारा जाति पे बात नहीं थी, तो सुनिए बात थी इलेक्शंस पे, नहीं वो इसलिए आए थे क्योंकि वो बताना चाहते थे कि बिहार का डेमोग्राफी किस तरीके से या चीजें में, ठीक ठीक। इधर मुझे एक बात दो, भाजपा का काम कैसा लगा आपको? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं वो व्यक्ति हूँ जिसको भाजपा से बहुत सारी तकलीफें भी हैं, इन सेंटर सर, इन सेंटर एंड इन कॉमन सर, आई हैव मेनी प्रॉब्लम्स विद भारतीय जनता पार्टी, स्पेशली विद द व्हाट इज दैट कॉल्ड ऑरेंज, द ऑरेंज ग्रुप सर, मुझे बहुत सारी तकलीफ, सफरनाइजेशन ऑफ द नेशन, मुझे बहुत दिक्कतें हैं उससे, ठीक है सर, मेरे पर्सनल, मैं आई एम समवन हु बिलीव्स इन कार्ल मार्क्स, जो मार्क्स की मार्क्स ज्यादा मानता है सर, ठीक है, मैं कंप्लीट कर लूँ सर, मुझे सोशलिज्म ही बहुत अच्छा लगता है, मुझे माई ऑल टाइम फेवरेट पार्टी, मैं कौन सा समाजवाद बोलूँ सर, सर मुझे सर इंडिया में समाजवाद कभी नहीं रहा सर, ठीक है, ये नीतीश कुमार सोशलिज्म सर, दिस इज नॉट सोशलिज्म एट ऑल सर, ये बड़े गलत बोल दिए हैं, ये भगवा से इनको बड़ा दिक्कत हो गया है, ये जो जिनको भगवा से दिक्कत हुआ है, सुनिए ये सॉरी माफ कीजिएगा प्रश्न बोल रहा हूँ, ये मतलब इनके पिताजी IAS ऑफिसर हैं, और ये बताइए भैया पढ़े लिखे इतने बड़े हो गए कि इनको भगवा से दिक्कत हो गया, भैया भगवा से दिक्कत नहीं हो सकता है, कहाँ कहाँ से मिटाओगे, क्या उगते हुए सूरज को मिटा दोगे, क्या डूबते हुए सूरज को मिटा दोगे, कहाँ कहाँ से मिटाओगे तुम भगवा को? मैं वो व्यक्ति हूँ जो धर्म को बहुत, अपने धर्म के लिए बहुत, ही टेक्स अ लॉट ऑफ प्राइड ऑन हिज रिलीजन, मुझे अपने धर्म पे बहुत गर्व है सर, ठीक है, है इसलिए यह धार्यति सधर्म, जिसको धारण किया जाता है वह धर्म होता है, बाकी कोई धर्म नहीं है, यह धार्यति सधर्म, जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। टॉपिक वो था ही नहीं सर, कहाँ जा रहे हैं आप पूछ रहे थे भारतीय जनता पार्टी काम कर रहे हैं, ठीक है सर, व्हेन वी टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो मिनिस्टर हैं, मिस्टर नितिन गडकरी, वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी, राइट, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, मुझे दिक्कत है इस देश के प्राइम मिनिस्टर के सेंट्रिस्ट अप्रोच से, ठीक है, कि जो हूँ मैं ही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने मध्य प्रदेश इलेक्शन से देखा, आपने शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया, आपने वसुंधरा राजे को हटा दिया राजस्थान से, दीज वर द प्रोमिनेंट फेसेस ऑफ, आपको याद होगा वो प्रधानमंत्री है, ठीक है, वो प्रधानमंत्री है, तुम्हें सोच के करेंगे क्या किसे रखना है किसे हटाना है, वो तुमसे पूछेंगे क्या, तुम्हें अगर वसुंधरा राजे, अगर वसुंधरा राजे आती राजस्थान में तो निश्चित भाजपा की सरकार वहां नहीं आती, अगर शिवराज सिंह चौहान, इसलिए उनको दरकिनार भी किया गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी प्रधानमंत्री मोदी के फेस में बीजेपी ने चुनाव जीता है, छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में लाडली बहना एक स्कीम थी वो थोड़ी से मतलब वो हो गई है, लेकिन राजस्थान में अगर वसुंधरा राजे रहती तो निश्चित भाजपा की सरकार वहां नहीं बनती, वो तो मोदी जी की देख के, मोदी जी को देख के तब लोग वहां पे, मोदी की गारंटी पे लोगों ने मोहर लगाया है।